चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा की जा सकती है। सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। बिहार एनडीए में बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है, जिसका इशारा जेडीयू सांसद संजय झा ने किया है। सीएम आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम नीतीश की बैठक हुई है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जेडीयू अपने सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल कर चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में कुछ सीटों में अदला बदली भी हो सकती है, कुछ उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं। एज फार एज सीट शेयरिंग इज कंसर्न, वो फाइनल स्टेज में है और इन ए डे और टू यू विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीट, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा के बीच सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीटों को लेकर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि अगले दो दिन के अंदर बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फाइनल ऐलान हो सकता है। वैसे अब तक सूत्रों के हवाले से जो भी फॉर्मूला सामने आया है, उसके अनुसार बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है, आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सबकी नजरें बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर टिकी हुई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सोमवार को दिल्ली में एक बहुत अहम बैठक हो सकती है और इस बैठक में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल होंगे। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने 20 मार्च तक का डेडलाइन तय कर लिया है। महागठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से 8 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस की डिमांड 11 सीटों की है। वामपंथी दलों की अलग डिमांड है और वामपंथी दल 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं आरजेडी बिहार में 30 सीट से कम नहीं चाहता है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग का मामला सुलझ ही नहीं पा रहा। कांग्रेस ने बेगूसराय और कटिहार सीट पर दावा ठोक रखा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया को प्रत्याशी बनाना चाहती है। कटिहार सीट से तारिक अनवर को कांग्रेस उम्मीदवार बनाना चाहती है। बेगूसराय सीट पर लेफ्ट की भी दावेदारी है तो कटिहार सीट पर आरजेडी की दावेदारी है। आरजेडी अशफाक करीम को कटिहार से उम्मीदवार बनाना चाहता है। वही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ बिहार निर्वाचन आयोग भी तैयारियों में जुट गया है। पटना में बिहार निर्वाचन आयोग ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम दल के नेता शामिल हुए। बीजेपी, आरजेडी, सीपीएम, आरएलजेपी, एलजेपीआर के नेता बैठक में शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने पार्टियों को गाइडलाइन से अवगत करा दिया है, तो पार्टियों ने हिंसा मुक्त मतदान और बूथ पर सुविधाएं देने की मांग की है। आरजेडी और सीपीएम ने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले कराने की मांग कर दी। उसमें बहुत सारी बातें विपक्ष की ओर से उठाई गई थी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जैसे आपको 50% बैलेट, ये जो पोस्टल बैलेट आता, पहले हम लोग तमाम पार्टी के लोगों ने कहा था कि पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग करा लीजिए, तब बक्से का काउंटिंग होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और जनता में एक परसेप्शन हो गया है कि इलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस इंडिपेंडेंटली काम करे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, उस पर जनता को गहरा संदेह हो गया। हम लोगों ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन को, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पटना आए थे, तो रिप्रेजेंट किया था और कहा था कि कम से कम आधी जो बैलेट पेपर है उसको काउंट करके वीवीपैट ईवीएम मशीन से मिलान करना चाहिए कि वो सही आंकड़ा दे रहा है या गलत दे रहा है।
चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को बुलाया था और काफ़ी अच्छी वार्ता रही है। बहुत सारे मामलों के ऊपर में बातचीत हुई है और ये तो बेबुनियाद बात है ईवीएम के बारे में। अब जब पूरे देश में ईवीएम पर चुनाव हो रहे हैं, जब विपक्ष जहां जीतता है तब वो संदेह नहीं करता है, जब वो हारते हैं तो इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल ही दे दिया। हाँ, ऐसी लागू की जाए जैसे विकलांगों के लिए कोई पहुंचाने की व्यवस्था अगर कोई पार्टियां करती हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं समझता हूं कि वो प्रभावित करती हैं। अगर चुनाव प्रबंधन स्वच्छ रखना है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। खबर बेगूसराय से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को अर्बन नक्सल बता दिया है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए केजरीवाल ने ईडी जैसी सरकारी संस्था की अवहेलना की है। लगातार 9 बार समन मिलने पर भी ईडी को तरजीह नहीं दी गई। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी नौकरी बांटने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जिस विभाग में वो मंत्री थे उसमें उन्होंने कितनी नौकरियां दी है। अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। एक तरह से इनका ग्रुप ही अर्बन नक्सलाइट का सोच रखने वाले लोग, ऐसे सोच से समाज नहीं चलता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी जब 17 महीने की सरकार रही तो हम पारदर्शितापूर्ण नौकरी दिए, लेकिन जब से भाजपा नीतीश कुमार की सरकार बनी है बड़ी गड़बड़ी हो रही है और बीपीएससी परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कारण ये दोनों ही है। मुझे लगता है तेजस्वी जी जबरदस्ती उपलब्धियों को, ये तो आज तक नहीं बताते हैं कि हम 1.5 साल रहे तो 5 विभाग में क्या किए, कितनी नौकरियां दी। और इस बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, कार से 5 लाख रुपए बरामद हुए। आचार संहिता लगने के बाद पहली बार ये जब्ती हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान ये पैसे मिले। कार से जब्त हुए 5 लाख रुपए मुजफ्फरपुर के रहने वाले ठेकेदार के पास इन पैसों की बरामदगी की गई है। मब्बी थाना क्षेत्र की दिल्ली मोड़ के पास ये जब्त हुआ। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो वाहन चेकिंग के दौरान ये रुपए मिले हैं, ठेकेदार के पास से पैसे मिले। बड़ी खबर आपको बता रहे, 5 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। पेपर लीक का नहीं है प्रमाण, बीपीएससी की तरफ से इसकी भी जानकारी दी गई है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। दरभंगा से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके शराब के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर शराब के कारोबार में लगे हुए हैं। पटना के बाढ़ में पुलिस ने एक ऐसी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया जहां ब्रांडेड शराब के नाम पर नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार इस शराब को होली के मौके पर खपाने की तैयारी थी। हालांकि छापेमारी के दौरान शराब के धंधेबाज अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर हथियार के साथ ही शराब बनाने का कच्चा माल, खाली बोतल, ढक्कन और केमिकल बरामद कर लिया। जो आगामी त्यौहार है होली का, उसके अंदर जो ये नकली शराब अगर बिकती तो काफ़ी लोगों की जाने जा सकती थी। इसके अंदर हमें एक केमिकल की बोतल मिली है, कुछ नकली रंग करने वाले कलर मिले हैं, दो पैकेट, और साथ ही में जो शराब की बोतलें, कांच की बोतलें जिनके ऊपर नकली स्टिकर अलग अलग कंपनियों के जैसे रॉयल स्टैग और मैकडोवल के चिपकाए जा रहे थे। साथ ही साथ हमें 3 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस भी वहां से बरामद हुई। आरा जिले में बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर एसके रूंगटा एवं जनरल सेक्रेटरी बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के एन जायसवाल ने किया है। इस टूर्नामेंट में पूरे बिहार से खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे। 100 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 4 दिन तक ये टूर्नामेंट लगातार चलेगा। इसमें पूरे राज्य से खिलाड़ी हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। करीबन 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 17 वर्ष और 19 वर्ष से कम खिलाड़ियों, बालक बालिका की प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। ये इस साल का
पहला कैलेंडर का टूर्नामेंट है इसमें, और आरा में ये लास्ट टूर्नामेंट दिसंबर में सीनियर्स हुआ था, अभी मार्च में पुनः ये प्रतियोगिता आरा में की जा रही है भोजपुर जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा। पहली बात कि भोजपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग 2023 और 24 में ये तीसरा टूर्नामेंट स्टेट लेवल का करा रहे हैं, ये खिलाड़ी नेशनल लेवल पर जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।